ये लो। थैंक यू भाई, अभी तक शिवा नहीं आया। चीयर्स। चीयर्स। पापा लो ना पापा। लीजिए पापा। जिंदगी में फर्स्ट टाइम मुझे शर्मिंदगी हो रही है। छी, इज्जत की वाट लग गई है। एक कहावत सुनी है कि बाप का किया बेटा भुगतता है। सही सुना है। देखा इस बेशरम को, रायता खुद फैलाया और ऐसी बातें कर रहा है। बोलने दो इसे, बच्चा है मेरा। चीयर्स पापा। आई लव यू। पापा ये तो पूरा टुन हो गया। मैं भी लुढ़कने वाला हूं। हाँ माल आ गया। अरे सूर्या कहाँ जा रहे तू? मेरा का ट्यूशन फीस देने जा रहा हूँ। पापा ने बोला दे क्या, तो बस वही देने जा रहा हूँ। मेरी एक हेल्प करेगा क्या? बोलना भाई। वहाँ अपना फोन ऑन रखना, वो मेरे बारे में क्या सोचती है मैं जानना चाहता हूँ। तू ना कभी नहीं सुधरेगा। अरे तुझा ये सब प्यार में कॉमन है, तू अपना फोन चालू रखना, ठीक है ना? हाँ ठीक है। तो पहुंच गया क्या? हाँ जस्ट पहुंचा हूं। तो फोन चालू रखना। बेटी देखो कौन आया। सूर्या आया है पापा। मेरा मैम, आपके पापा की तबीयत कैसी है? कुछ बोलोगी तब तो पता चलेगा ना। सूर्या तुम लोगों को नमस्कार है, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन अपनी ये ट्यूशन फीस रख लो। जाओ यहाँ से। तुम जैसे संस्कारी लोगों से ना मुझे फीस नहीं चाहिए, जाओ। ये क्या है, आप मुझे संस्कार सिखा रही हैं? मुझे नहीं पता कि आपके पापा को मेरे पापा से क्या प्रॉब्लम है, पर मेरे पापा की वजह से हजारों घर चलते हैं। ठीक है, पर इस समय शिवा की क्या गलती है? वो आपसे प्यार करता है, आपसे शादी करना चाहता है बस। क्या बात है शिवा। मेरा शिवा थोड़ा चंचल है पर दिल का बहुत अच्छा है, उसे शादी कर लो प्लीज। क्या बकवास कर रहे हो सूर्या, मैं शिवा से शादी कैसे कर सकती हूँ जबकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? पागल हो गई है क्या? बीच में मैं कहाँ से आ गया? हाँ मैं पागल हूँ, तुम्हारे प्यार में पागल। पहली बार तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। तुम्हें मैंने अपने स्टूडेंट के फोन पे देखा था, जब तुम लैंड सेटलमेंट कर रहे थे तब का वीडियो था। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ। जब शिवा ने बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने के लिए बुलाया तो मैं बच्ची के लिए नहीं तुम्हारे लिए वहाँ आई। जब जब तुम्हें देखती हूँ ना मैं खुशी से पागल हो जाती हूँ। मैंने मेडिसिन के बहाने से तुम्हें घर पे बुलाया क्योंकि तुमसे प्यार करती हूँ। तुम्हें आई लव यू कहूँ इससे पहले तुम्हारा वो फ्रेंड शिवा ने मुझे आई लव यू कह दिया। उसी समय मैं तुम्हें बोलना चाह रही थी पर मैं बोल नहीं पाई, पर अब मैं तुमसे बोल रही हूँ आई लव यू सूर्या, आई लव यू सूर्या। अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे ही करूंगी सूर्या, नहीं तो मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूंगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ सूर्या, पागलों की तरह प्यार करती हूँ तुमसे, प्लीज समझो मुझे। Thank you.
ए तू आ गया सूर्या, क्या बोली वो? इस बारे में बाद में बात करते हैं। वाह क्या ड्रामा कर रहा है सूर्या। मुझे पता था कि लव की भी एक्सपायरी डेट होती है, पर तूने बता दिया कि दोस्ती की भी एक्सपायरी डेट होती है। तू तो ग्रेट है सूर्या। क्या बकवास कर रहा है? क्यों, जो मैं कह रहा हूँ गलत है क्या? हे शिवा, तेरी जो अभी सिचुएशन है, मैं कुछ भी कहूंगा तेरी समझ में नहीं आएगा। ए, तू जानता है मैं मीरा से कितना प्यार करता हूँ? मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ उसे। अगर तू मेरी जान भी मांगता तो मैं तुझे दे देता, पर तूने तो जीते जी मेरी जान ही छीन ली। ऐसा क्यों किया तूने? हैं, गद्दार! ए! ए, ए शिवा, देख शिवा। शिवा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। शिवा रुक जाओ शिवा, मैं तुझे मार डालूंगा। रुक जाओ। पापा छोड़िए मुझे, आज इसे छोड़ूंगा नहीं। मार डालूंगा जान से इसे, छोड़ूंगा। देखो पापा, इस कमीने ने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। ए, पागल हो गया क्या तू? पापा, तुम लोग इंसान हो क्या? एक लड़की के चक्कर में तुम लोगों ने पापा पर गोली चला दी। एम्बुलेंस बुलाओ। हेलो मैडम, मैं सुब्बू बोल रहा हूँ। मैडम, बड़े साहब को गोली लग गई, उन्हें हॉस्पिटल लेके गए हैं। आप भी जल्दी से आ जाओ मैडम। कैसे हुआ ये सब बाद में पूछना, आप आ जाओ मैडम। मैं वहाँ क्यों आऊँ? मुझे इन सबसे कोई मतलब नहीं है। या अल्लाह, दास अंकल को ठीक कर दीजिए, उनकी तबीयत ठीक हो जाए, और मेरा प्यार, अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मुझे मेरा सूर्या मिल जाए। मेरी दुआ कबूल करिए। छी, अंकल अब आपकी तबीयत कैसी है? अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ कर दीजिए। गलती तुम्हारे लिए बेटा, गलती मेरी है। ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे अब्बा का गुनहगार हूँ, तुम फिर भी मुझसे मिलने आई हो। मैं आज तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश है कि इस घर में तुम बहू बनकर के आ जाओ। फैसला तुम्हारा है, कहो तुम्हें कौन पसंद है। शिवा, सूर्या, बोलो बेटा, बताओ तुम किसको चाहती हो? अंकल, मैं सूर्या से बहुत प्यार करती हूँ, मैं सूर्या को चाहती हूँ अंकल। ए, पागल है क्या तू? एक बार समझाया, समझ में नहीं आता क्या तुझे? वाह वाह वाह, क्या एक्टिंग है, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। है शिवा, बकवास बंद कर। है सूर्या, यहाँ पे आ। हाँ पापा। मेरे सामने आ। सुन सूर्या, जब कोई लड़की किसी से दिल से प्यार करती है तो मरते दम तक नहीं भूलती,
तो नसीब वाला है कि तुझे कोई इतना प्यार करने वाली मिली है। मेरी बात मान, तू इससे शादी कर ले। तू मेरा अच्छा बेटा है ना, मेरी बात मानेगा ना? आप ये सब नाटक देखकर भी ये सलाह दे रहे हैं पापा? अरे बेटा, दुनिया के इस नाटक में तो सही क्या है और गलत क्या है कोई भी नहीं जानता है, और जो होना है वो तो होकर ही रहता है। हम चाहे भी तो रोक नहीं सकते, कोई भी नहीं रोक सकता है। इसको अपना ले बेटा। पापा, अगर तू थोड़ा भी मेरी इज्जत करता है तो तू मीरा से शादी करेगा। शिवा, जोड़ियां ऊपर वाला तय करता है, तू पीछे हट जा, इनके खुशी में ही सबकी खुशी है। किस बात की खुशी? हाँ, जिससे प्यार किया उसके हाथ में दूसरे का हाथ देने की खुशी, जिसे मैंने पागलों की तरह चाहा उसकी शादी सूर्या से करवा रहे हैं, ये सब क्या है? कल इनकी शादी होगी, हाथ में हाथ डाल के घूमेंगे, वो भी मेरी आंखों के सामने। इस बात की खुशी मनाऊंगा मैं, यही है मेरी खुशी। अब मुझसे नहीं होगा, अब बर्दाश्त नहीं होगा। आप सब लोग अच्छे से खुश रहो, मैं यहां से जा रहा हूं, बस मुझे रोकना नहीं, मैं जा रहा हूं। ए शिवा, रुक जा, आज हम लोग यहां खड़े हैं तो तेरे गुस्से की वजह से। अगर तू अकेला यहां से चला गया तो ये दुनिया तुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी शिवा, कोई ना कोई तुझे मार देगा शिवा, और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ शिवा। तू मेरा दोस्त नहीं, भाई है। अगर कोई यहाँ से जाएगा तो वो तू नहीं मैं। तुझे यही पापा के साथ रहना है और उनका ख्याल रखना है। ए, क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? पापा, बस पापा, अगर मैं नहीं गया तो ये मर जाएगा पापा, मुझे जाना होगा। ए सूर्या, एक औरत के चक्कर में साम्राज्य बर्बाद हो जाते हैं, सच सुना था पापा, आज अपनी आंखों से देख लिया।